हेलो फ्रेंड्स, काफ़ी सारे व्यूअर्स की क्वेरी है कि जस्ट डायल अगले मंथ यानी जुलाई 31 को एफओ में से निकल रहा है, ठीक है। तो उसमें जो उसका बायबैक आया है उसमें हम कुछ आर्बिट्रेज कर सकते हैं कि नहीं, हमारे लिए कोई बायबैक के लिए आर्बिट्रेज पॉसिबिलिटी दिख रही है कि नहीं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि टोटल 5 स्टॉक्स यानी मई 22 का ये सर्कुलर है, उसमें एनएसई में जस्ट डायल और एनसीसी ये दो स्टॉक्स आउट ऑफ फ्यूचर एंड ऑप्शन से बाहर हो रहे हैं और उसका एप्लीकेबल डेट है जुलाई 31। तो आप लोगों को जुलाई 31 यानी आज ये एक्सपायरी जून की चल रही है, अगले महीने ये दो स्टॉक्स के लिए लास्ट महीने होंगे। उसके अलावा जून 19 को यानी 3 दिन पहले अगेन एनएसई एक्सक्लूजन ऑफ द फ्यूचर एंड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट ऑन 3 सिक्योरिटीज और 3 स्क्रिप्ट में सेंचुरी टेक्सटाइल, इक्विटास एंड उज्जीवन, ये तीनों स्क्रिप्ट अगस्त 2020 से फ्यूचर एंड ऑप्शन में से बाहर निकल रही है। तो हम आने वाले जुलाई एंड में दो स्क्रिप्ट एनसीसी एंड जस्ट डायल, अगस्त एंड में सेंचुरी टेक्सटाइल, इक्विटास एंड उज्जीवन, ये 5 स्क्रिप्ट फ्यूचर ऑप्शन से बाहर हो जाएगी और उसकी जगह पे एनएसई शायद नया स्क्रिप्ट ऐड कर सकता है, वो अभी तक आया नहीं है। तो अभी हमारे लिए ये 5 जो स्टॉक्स है, जस्ट डायल, एनसीसी, सेंचुरी टेक्सटाइल, इक्विटास एंड उज्जीवन, वो आने वाले जून जुलाई अगस्त से वो बाहर हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं जस्ट डायल की। जस्ट डायल में बायबैक आया है 700 रुपीज पे, अभी रेट चल रहा है 363 यानी ऑलमोस्ट 50% रेट पे ट्रेडिंग हो रही है। आज जस्ट डायल बैन में से निकल गया, यानी आपको पता नहीं है बैन क्या होता है, तो बैन के लिए हमने एक सेपरेट वीडियो डाल के रखी है, आप जाके देख सकते हैं। 5 मिनट्स में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ऐसा एक हमारा प्लेयर लिस्ट है, उसमें जाके आप देख सकते हो। तो अभी हम बात करते हैं जस्ट डायल के आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी की। तो अभी आप यहाँ देख सकते हो जस्ट डायल का जो एक सर्कुलर आया था जिसमें ऑनलाइन रिमोट वोटिंग शेयर होल्डर के लिए हो रहा है, उसमें लिखा है कि कंपनी इज एंगेज द सर्विस ऑफ कैफिन्स टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, फॉर्मली नोन एज ए कार्वी फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड, फॉर प्रोवाइडिंग रिमोट वोटिंग फैसिलिटी फॉर इट्स मेंबर। द कट ऑफ डेट फॉर द एंटाइटलमेंट ऑफ वोटिंग इज मई 2020। द रिमोट वोटिंग विल कमेंस ऑन मंडे मई 25 एंड शैल एंड ऑन ट्यूजडे जून 23। यानी कल उसका रेटिंग वोटिंग कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद पोस्टल बेल आउट का रिजल्ट आएगा ऑन और बिफोर ट्यूजडे जून 25। यानी जून 25 से लेकर 15 दिन या 20 दिन में उसकी रिकॉर्ड डेट आ जाने की पूरी पूरी उम्मीद है। तो आप चाहो तो उसमें आर्बिट्रेज क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि जस्ट डायल का लास्ट डेट है जुलाई 31। यहाँ आप देख सकते हो नो कॉन्ट्रैक्ट शैल बी अवेलेबल फॉर ट्रेडिंग इन द अबो मेंशन सिक्योरिटीज विथ रिस्पेक्ट टू जुलाई 31, 2020। यानी अभी जून 22 चल रही है, 1 महीने और 8 दिन के बाद एक कॉन्ट्रैक्ट निकल जाएगा। तो अभी हमारे जो यहाँ सर्कुलर में देख सकते हैं जून 25 को उसका आउटकम आ जाएंगे, आउटकम आ जाने के बाद मैक्सिमम 15 या 20 दिन में कंपनी उसकी रिकॉर्ड डेट जारी कर देती है। जस्ट डायल के केस में कुछ अलग होता है तो हमको मालूम नहीं है, तो हमको रिस्क लेना है तो हम ले सकते हैं, पर कंडीशन यही है कि आने वाले 1 महीने तक उसकी रिकॉर्ड डेट आ जाती है तो हम पॉसिबली ये पूरा आर्बिट्रेज एक सेफली कंप्लीट कर सकते हैं। उसमें हमको करना क्या है, हमारे पास 3 अकाउंट होने चाहिए, इच अकाउंट में हमको 450 शेयर जस्ट डायल का लेना है और जो जस्ट डायल का एक लॉट है 1400 का वो हमको शॉर्ट कर देना है, इक्विटी बाय कर देनी है। हमको शायद उसमें 5-7-10 रुपये तक का डिस्काउंट दिखने को मिल सकता है तो हम बियर कर लेंगे, हमारा वही मैक्सिमम लॉस रहेगा एक्सपायरी तक।
ठीक है। तो अभी हम देख सकते हैं कि समझो जस्ट डायल का रिकॉर्ड डेटा जाता है तो हमको 20% एक्सेप्टेंस रेशियो की उम्मीद है। तो हमारे पास 1400 शेयर्स है और 20% एक्सेप्टेंस रेशियो आता है तो हमारा 300 शेयर्स 700 रुपीस पे चला जाएगा। तो उस हिसाब से हम काउंट करते हैं तो हमारा मुनाफा होगा 1 लाख का, उसमें से 14,000 हमने डिस्काउंट पे कर दिया और 10,000 हम रफली एक एज एक्सपेंस ले लेते हैं, फिर भी हमारे पास 75,000 तक का मुनाफा बच सकता है ऑन द इन्वेस्टमेंट ऑफ 5 लाख रुपीज ओनली। तो आपको अभी देखना यही है कि अभी जस्ट डायल की जो रिकॉर्ड डेट है वो जून 25 के बाद 15 दिन या तो 20 दिन में आ जानी चाहिए, पर इस केस स्पेसिफिक केस में कंपनी जो डिले करती है तो हम उसमें कुछ कर नहीं सकते हैं। हम उसका कोई रूल नहीं है कि इतने दिनों में इस पर कंपनीज एक्ट डेट आ ही जाती है। तो अभी हमको आर्बिट्रेज क्रिएट करना कि नहीं करना वो एक अभी क्वेश्चन मार्क बन गया है। आप थोड़ा बहुत रिस्क लेना चाहते हो तो आप यहाँ आर्बिट्रेज कर सकते हो। हमने पहले भी कहा था कि आपके पास लिक्विडिटी है तो आप केस बाय करके फ्यूचर सेल कर सकते हो। तभी उसका गैप चल रहा था 3 रुपीस, आज उसका गैप चल गया है ऑलमोस्ट 10 रुपीस प्लस। तो आप देख सकते हो कि जस्ट डायल का आज का जो बैंड में से निकल गया है तो आप अभी फ्यूचर में भी पोजीशन क्रिएट कर सकते हो। तो ये अभी कॉल आपको इंडिविजुअल बेसिस पे रिस्क कैटेगरी के हिसाब से लेना चाहिए, उसमें कोई कंप्लीट सेफ आर्बिट्रेज बन नहीं रहा है, इसलिए मैं आपको कुछ सजेस्ट नहीं कर पा रहा हूँ। तो इसी के साथ हम आज के वीडियो में जस्ट डायल में आने वाले टाइम में हम आर्बिट्रेज पॉसिबल है कि नहीं उसके बारे में, जब भी रिकॉर्ड डेट का डिक्लेरेशन हो जाएगा तो वो टाइम पे हम कर सकते हैं। तो तभी हम 2 या 3 दिन का हमको गैप मिलेगा वो टाइम पे भी हम फ्यूचर एंड ऑप्शन का पोजीशन ले सकते हैं और रिकॉर्ड डेट पास हो जाने के बाद हम उसको एग्जिट कर सकते हैं। हमको सिर्फ 20% स्टॉक ऑन एंड रखना है ताकि हमारा वो पूरा बाईबैक में चला जाए। तो इसी के साथ हम आज के वीडियो में 2 अपडेट थी वो हमने दे दिए।